गुड मॉर्निंग मित्रों, केम छो मजामा। अभी मैं हूँ नाको में। नाको कैसे पहुंचा ये जानने के लिए आपको मेरी ये सीरीज के पिछले एपिसोड्स देखने होंगे। ये है हमारे राजकुमार सर, इन्हीं का ये होमस्टे है। बहुत ही बढ़िया खाना खिलाया, सुबह में नाश्ता कराया और अभी यही हमें लेके जा रहे हैं नाको लेक की ओर। अभी फटाफट बाइक पे सामान आधा लोड किया है, कुछ बाकी है, सामान लोड करते हैं, फिर नाको लेक जाए देखते हैं और फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। कैसा रहा पृथ्वी सर, रात कैसे गुजरी? नींद नहीं आती है सर जी। और सर दर्द क्या ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रहा था। एक्चुअली ऑक्सीजन कम होता है तो नहीं, मुझे एक्चुअली दूसरा प्रॉब्लम हुआ था, हीटर की वजह से थोड़ा गैस हो गया था। सेम सब ठीक है, मेरा भी यही हाल था। मैं हीटर के बाजू में सोया था तो ठंडा गरम होके पूरा पीत हो गए के सुबह में तो इतना सर दर्द था। फिर कुछ दवाई ली, कुछ देसी नुस्खे अपनाए तो अभी फिलहाल आराम है। अभी नाको लेक चल के जा रहे हैं। सांस तो फुल्ली तय है भैया, क्योंकि इतने हाइट पे ऑक्सीजन कम रहता है जिसकी हमें बिल्कुल आदत नहीं है। अंकित भाई ठंड लग रही है, अभी विद्युत जामवाल की तरह अपने को करना है ना, यहाँ पे एक डुबकी मारनी है जय गंगा मैया की बोल के। ऑडियंस को बताया कि आज आपका हैप्पी बर्थडे? नहीं अभी तो नहीं बताया। गलत बात है, आज आपका हैप्पी बर्थडे है और आप पूरी नाको लेक को केक की तरह काटने वाले, इधर उधर बता नहीं रहे। फिर अगली बार पता चला कि मेरे को यही गाड़ दिया। चिराग भाई की आज बर्थडे तो उस दिन हैप्पी बर्थडे दोबारा लाइन पिछले कई सालों से एक आदत ऐसी रही है, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है 5 फरवरी, वाइफ का बर्थडे 27 फरवरी और मेरा बर्थडे 3 मार्च, तो ये तीन में से मतलब 18 में जब हम आए थे तो वी सेलिब्रेट अवर एनिवर्सरी एट काजा। लास्ट ईयर वी सेलिब्रेट नॉट लास्ट ईयर इन 2019 माई वाइफ सेलिब्रेट हर बर्थडे एट रामपुर उस वाइल रिटर्निंग फ्रॉम काजा। और इस बार मेरा बर्थडे वी आर एट फ्रोजन लेक ऑफ नाको। क्या दुल्हा दुल्हन मजा आ रहा है? अभी यहाँ पे विद्युत जामवाल की तरह एक डुबकी लगाएंगे, इससे आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। अच्छी जा रही है कि यू कैन एक्चुअली वॉक ऑन अ फ्रोजन लेक। मेरे कुछ दोस्त है, पृथुदा है, दीपक गुप्ता एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर है, जिन्होंने फ्रोजन पेंगोंग लेक पे बाइक चलाई हुई है, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम, हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट भी है। डेफिनेटली मैं तीसरी बार आया हूँ विंटर नाको लेक पे, स्पीटी 4 बार आ चुका हूँ, लेकिन जब 2018 में आया था तो लेक फ्रोजन नहीं थी। आज है 3 मार्च एंड इट्स माय बर्थडे। आई हैव कंप्लीटेड 46 ब्यूटीफुल ईयर्स ऑफ माय लाइफ एंड आई एम सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे ऑन नाको, ऑन फ्रोजन लेक ऑफ नाको। मज़ा आ गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए जिंदगी में यार। चिराग भाई हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बर्थडे हो गया। अभी टाइम हो गया है 1, सुबह में नाको लेक पे हमने बहुत ही मस्ती करी, अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स लिए हैं। होप आपको मज़ा आया होगा।
तो अभी यहाँ से चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है गिव मम्मी। मैं जितनी भी बार आया हूँ गिव मम्मी नहीं जा पाया हूँ किसी ना किसी वजह से, क्योंकि ऑलवेज मैं जैसे मतलब विंटर में ही आता था तो रोड हमेशा बंद ही रहते थे, तो होपफुली कि इस बार गिव मम्मी के दर्शन भी हम कर पाए। तो चलिए आज की राइड करते हैं शुरू। बोलो अम्बे मात की जय, हर हर महादेव। भयंकर वाला ऑफ रोड चालू हो रहा है भैया। हम लोग पहुंचने आए मलिंग टॉप। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है नहीं वहाँ पे। और हैट्स ऑफ टू दिस पीपल जो हमारी जर्नी को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए इतनी हाइट पे और इतनी ठंड में भी काम कर रहे हैं ताकि हम ये सब जगह एंजॉय कर पाए। शूटिंग स्टोन एरिया, ड्राइव केयरफुली। जी सर। तो ये है मल्लिंग नाला। In the land of llama, do not be gama. Yes sir, thank you for your advice. बाकी आपको मैं नीचे का व्यू दिखाऊं, बहुत ही खतरनाक वाला व्यू है दोस्तों। यहाँ से व्यू देखेगा, ये देखिए वो स्पीति नदी जा रही है, यहाँ से टर्न आ रही है और हमारा रास्ता भी उसके पैरेलल ही अभी पहुँचेगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। आज भी 4 बजे के बाद स्नोफॉल का प्रिडिक्शन तो है, ताकि रास्ता देखो भैया, रास्ता वहां दूर हमारे साथी कहीं जा रहे। क्या खतरनाक टेरेन है यार, यहाँ से कभी भी पत्थर गिर सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकती है। एरिया पूरा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया ही है। निकल जाओ। ओके। आई शाबाश। देख रहे दोस्तों, हमें वहां जाना है। ये पूरा जो रास्ता है ये गोल 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 घूम के हमें नीचे वहाँ तक जाना है। वहाँ पे है चांगो विलेज। 2018 में हम लोग फंस चुके थे यहाँ पे मलिंग टॉप पे बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड। और चांगो विलेज में उस वक्त कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। उस वक्त बड़े पापड़ बेल गए थे हमने, जैसे तैसे करके कुछ अरेंजमेंट किया था। अगर आपने वो वाला ब्लॉग मेरा नहीं देखा है तो स्पीति 2018 में वो आप देख सकते हो। रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, पत्थर को काट काट के रोड चौड़े किए जा रहे हैं। लोकेशन दिखे तो घूमना। अच्छी लोकेशन है। हाँ जी, लोकेशन दिखे तो ठीक है ड्रोन के लिए।
पे ऊपर से हमने ड्रोन शॉट्स लिए थे और यहाँ पे रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है तो यहाँ पे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। क्या गिव मम्मी है भाई, यहाँ से है 27 किलोमीटर, एक घंटा दिखा रहा है, टाइम हुआ है 2:20। हंसते खेलते जाएंगे तो 6:30 बजे तक तो ताबो पहुँच ही जाएंगे। अभी टाइम हुआ है 2:20। हाँ ताबो अपने को जो गिव मम्मी जाना है वो है 27 किलोमीटर, समझ लो एक घंटा, पौना घंटा, एक घंटा वहाँ पे स्पेंड किया और वहाँ से एक घंटे का राइड, तो अभी यहाँ से समझो तो 3 घंटे है अपने पास, आराम से पहुँच जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग यहाँ पे फंसे रहे। बाकी जो हमारे दोस्त थे उनको तो हमने बोल दिया कि भाई आप लोग आगे बढ़ो, हम मिलते हैं आपसे थोड़ा बहुत लेट वेट होके भी। ये खड़ी हमारी बाइक है दोस्तों, 1 घंटे वहां फंसने के बाद फटाफट हम आ चुके हैं सुमडो में। सुमडो में आर्मी का एक कैफेटेरिया है, यहाँ के समोसे और जलेबी बहुत ही फेमस है और हमारी टीम आगे निकल चुकी है, उनको बोल दिया था कि आप चले जाओ, हम लोग पहुंच रहे हैं। तो ये आ चुका है हमारा समोसा और चाय, जलेबी अभी आ रही है, तो फटाफट कुछ खाते हैं और चलते हैं गिव मम्मी की ओर। हाँ जी, तो दोस्तों मैं अभी रुका था आर्मी के कैंटीन में समोसे और जलेबी खाने के लिए, तो वहाँ मुझे मिल गए, सुबह मिले थे नाको लेक पे, अभी वापस यहाँ मिल गए और रात को भी मिलेंगे। राजकोट से हमारे गुजराती भाइयों, आटला दूर आईवा पछी पण जो समोसा ने जलेबी गुजराती ने मळे एने बीजू काई न घटे, बराबर छे ने? आपको ये रास्ते पे, ये रूट पे, ऐसे जगह पे, ऐसी ठंडी ठंडी हवा में अगर समोसे और जलेबी मिल जाए तो और क्या चाहिए। तभी हम जा रहे हैं गिव मम्मी की ओर, यहाँ से उसका हमें रास्ता डी रूट करना पड़ता है, यही रास्ते से हमको जाना है 9 किलोमीटर अंदर और फिर वापस बाहर आके जाना है ताबो की ओर। हम पहुंच चुके हैं गिव मम्मी, ये उसका नया मोनेस्ट्री बन रहा है पूरा, अगर एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये मम्मी को वहां शिफ्ट कर देंगे। ये सड़क का तंजीम है मम्मी, एक्चुअली क्या था, भूकंप के कारण इनका जो हुआ था मिले थे ये। हाँ, ये एक्चुअली एक स्तूपा थे, 6 स्तूपा थे वहाँ पर 1975 में, वो सारे क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसके बाद 1981 में भारत सीमा बंकर में खुदाई कर रहे थे तो वहाँ पर जाके इनकी खोज हुई। 2002 में ये आए थे, यूएसए के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स भी आए थे इस गांव में, उन्होंने 14 डेटिंग के पता लगाया कि 1430 ईस्वी से तपस्या के आसन में थे 1430 से, और उनके शरीर सुरक्षित रखने के लिए ना अभी भी कुछ भी ऐसा कुछ मतलब केमिकल्स या कुछ भी अभी भी यूज नहीं हो रहा, वो बिल्कुल एज इट इज है। 1430 से समझो मतलब मोटा मोटी समझो तो 600 साल होने को आए, 600 साल होने को आए, 700 सॉरी 22। मम्मी को अच्छे से एक्सप्लोर किया हमने, आपको भी दिखाया, जैसे 1430 में कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 1430 से इसी तपस्या के आसन में बैठे हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है,
मौसम थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली तो प्रिडिक्शन थी वेदर की, फोरकास्टिंग ऐसी थी कि 4 बजे के बाद स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन टच हुआ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ऐसा। तभी हम निकल चुके हैं यहाँ से गिव मम्मी से और फटाफट अभी पहुँचते हैं ताबो। व्यू देख रहे हो मित्रों, नीचे से पूरी स्पीटी रिवर जा रही है, नीचे से रिवर, बीच में ब्राउन माउंटेन और उसके ऊपर आइस कैप माउंटेन, तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यार। और हमारे साथ बहती हुई स्पीटी नदी, पानी इतना हरा दिखाई दे रहा है, सही में यार क्या व्यू है। गुड मॉर्निंग मित्रों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ताबो। गुड मॉर्निंग इसलिए कल शाम को हम लोग पहुँच चुके थे 7:30 बजे, लेकिन ठंड इतनी थी और गिव मम्मी और रास्ते में ड्रोन शॉट्स लेने में थोड़े लेट भी हो गए थे, तो इसके लिए कल रात को कैमरा फिर हाथ में पकड़ने का मन ही नहीं किया। तो रात को हम 7:30 बजे पहुँच गए थे हमारे दोस्त यूसी के प्रॉपर्टी पे, वाइट लोटस होम स्टे, बहुत ही बढ़िया से प्रॉपर्टी बनाई हुई है। चलिए मैं आपको इसका एक छोटा सा टूर पहले दे देता हूँ। ये था हमारा रूम, हमारे अंकित सर एडिटिंग करते हुए और सुबह में बहुत चीटिंग करते हुए, आप मेरे को गोप्रो में रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी बिना पूछे क्या करके गया ना। तो फिर ये बहुत ही बढ़िया और कोजी सा रूम है और इलेक्ट्रिक बेडशीट के साथ है, तो बहुत ही अच्छे से नींद आई सबको। ये हमारे जेजे सर, जिनको काफी ठंड लगती रहती है, आज शायद रामपुर के बाद पहली बार विदाउट जैकेट दिखे हैं हमें। ये यहाँ से ऊपर भी उनके कुछ 10 रूम है सेम टाइप के, एक डॉर्मेटरी है जो इन्होंने हमें अलॉट करी थी लगेज रखने के लिए। हमारे पृथ्वी सर मॉर्निंग में काम करते हुए हाजिरी निकाल, अपनी हाजिरी लगाते हुए इंस्टाग्राम में मेरी ओर से भी। कॉमन वॉशरूम है यहाँ पे, काफी बढ़िया है, और ये है डाइनिंग हॉल, कोजी सा डाइनिंग हॉल। ये हमारे दूल्हा और दुल्हन, दुल्हन पहली बार आज सुबह सुबह मुस्कुरा रही है क्योंकि रात अच्छे से गुजरी है, नहीं धूप देखी उसने, धूप देखी है। ओके, इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। दिस इज मी चिराग गांधी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो।